Good evening, everyone. COVID-19 has changed our lives in many ways, some of which we are not even aware. It has definitely changed our way we communicate. Here we bring our first session of Kalam on webinar to you. I would like to welcome you on behalf of Crystal Palace, Dainik Jagran, Sri Ram Cement, and SR's Women of Meerut. It's my honor and privilege to invite Mr. Divya Prakash Dubey to this session of Kalam. Divyaji is an engineer and an MBA by education, a former AGM of telecom company and a content editor of leading TV channel. Such a combination of talent is rarely seen in the world of writers. Humorous to the very core and equally deep in his thoughts, his unique take on life and relations make him an expert storyteller. His three published books are bestsellers already. Two are a collection of short stories, Masala Chai and Terms and Conditions. The two other two are the novels, Musafir Cafe and October. To be in conversation with him is our very own SR's Woman of Meerut, Mrs. Anshu Mehra. I welcome her to take the session forward. And all the attendees can ask their questions by typing in the chat box or raise their hands after the session. Thank you. Hi, Anshu, you can take over. Thank you, Garima. जैसे कि दिव्य जी का इंट्रोडक्शन अभी कराया गया है, इसके अलावा बातचीत करने से पहले मैं कुछ बातें कहना चाहूंगी. इनकी बहुचर्चित किताबें हैं टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, मसाला चाय, मुसाफिर कैफे और अक्टूबर जंक्शन. ये हिंदुस्तान के पहले लेखक हैं जिन्होंने इंग्लिश भाषा का प्रयोग किया, यानी इंग्लिश और हिंदी को मिलाकर एक नई भाषा बनाई है, उसका प्रयोग किया. इन्होंने अपनी एक शैली, अपना एक जॉनर, एक अपना स्थान, एक नई वाली हिंदी का स्थान बनाया है. इसके अलावा इनकी ग्राउंड ब्रेकिंग प्रयासों में संडे वाली चिट्ठी और स्टोरीबाजी जैसे कामयाब प्रयास शामिल हैं. संडे वाली चिट्ठी, स्टोरीबाजी और टेडएक्स, यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया पे अवेलेबल है. अगर आप चाहें तो वहां जाकर इसका आनंद उठा सकते हैं. इस वर्चुअल मेरठ सत्र का शुभारंभ करते हैं. दिव्य जी, आपका स्वागत करते हैं इस लॉकडाउन में नए तरीके से. सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका. और बहुत हर किसी को तारीफ सुनना पसंद होता है, तो अब मैं भी अपनी बातें, इतनी तारीफ हो गई तो अपनी बातें सुनने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं क्या बोलने वाला हूँ. आप बोले तो मैं बोलते जाऊं. आप चुप रहिए, आप सुनिए और मैं बातें करती हूँ. जरूर. नहीं, आप गेस्ट हैं तो आप बताइए कि सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए. एक तो सीट आपने बीटेक की वेस्ट की, एक आपने एमबीए की वेस्ट की और आप सक्सेसफुल ऑथर बन गए. तो ये आपकी लाइफ जर्नी कैसी रही, इसके बारे में जरा खुल के हमारे ऑडियंस को बताइए. जरूर. तो मैंने जैसे नॉर्मली क्या होता है कि जब आप ट्वेल्थ वगैरह पास कर रहे होते हैं तो बहुत आपको आइडिया रहता नहीं है कि लाइफ में करना क्या है. और बहुत मैं ज्यादा ही कंफ्यूज था जो नॉर्मली जो बच्चे होते हैं उनसे बहुत ज्यादा. तो जो ट्वेल्थ के बाद मैंने बहुत छोटे स्कूल से पढ़ाई की, तो चूंकि मेरे फादर ब्यूरोक्रेट थे, सेल्स टैक्स में थे मेरे फादर, तो मैंने ऑलमोस्ट यूपी के ईस्टर्न और वेस्टर्न यूपी जहाँ से हो भी रहा है कलम, मैंने ऑलमोस्ट 11 या 12 स्कूल चेंज किए 12 साल की पढ़ाई में. तो एक नेचुरली एक तो कंफ्यूज था, तो कहीं पे भी जाते थे तो बहुत देर में सेटल हो पाते थे. पता चला अगस्त में सेशन शुरू हो रहा है मेरा, सेप्टेम्बर में पहुंच रहा है, जब ट्रांसफर हो जाए तब सेशन शुरू होता था. तो एक अनसेटलिंग बिहेवियर बचपन से ही मेरी वजह से नहीं था, नेचुरली लाइफ में था और वो आगे भी चलता रहा. तो ट्वेल्थ तक तो समझ ही नहीं आया करना क्या है. ट्वेल्थ के बाद पहली बार पता चला कि अरे कुछ लोग जो होते हैं ये आईआईटी की तैयारी करते हैं. और मेरी स्कूलिंग हुई थी तब उस ट्वेल्थ जो था वो शाहजहांपुर नाम की एक जगह है लखनऊ से 180 किलोमीटर दूर, तो वहां पे हुई. तो फिर लखनऊ जब पहुंचे तो लगा कि यहाँ तो दो दो साल से लोग तैयारी कर रहे हैं, ट्वेल्थ में, इलेवेंथ में भी कर रहे थे कोचिंग. और तो लगा कि और कुछ जैसे ना वो ना गाइडेंस था ना राइटर, राइटर बनना तो खैर बहुत दूर की बात थी. और तो वहां पे बस एक दो साल वो कोचिंग करते रहे, एक साल नहीं हुआ दूसरे साल कर ली कोचिंग. तो ये था कि अब जाएंगे और फिर इंजीनियरिंग की. अब इंजीनियरिंग जब मैं करने पहुंचा इंजीनियरिंग, तो थर्ड ईयर तक ऐसा हुआ कि
मुझे लगा कि यार एक तो मैं कोई अच्छे कॉलेज से भी नहीं पढ़ रहा, तो मेरा कॉलेज था कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रुड़की, वहां से प्लेसमेंट वेसमेंट होता नहीं था, और ये प्राइवेट कॉलेज जो है वहां पे है। और थर्ड ईयर तक आते आते ऐसा हो गया कि 2 साल 12th के बाद वेस्ट हो चुके थे, 2 साल लग रहा था यहाँ के वेस्ट हो गए। लेकिन इस दौरान एक अच्छी चीज हुई इस पूरी जर्नी में तब तक, कि मेरे घर पे मेरे फादर बहुत किताबें पढ़ते थे, तो चाहते ना चाहते हुए तब मेरी किताबों पे नजर रहती थी। और किताबों में बहुत सारे राइटर्स ऐसे होते थे जो मैं बचपन में देखता था कि किताब के कवर के पीछे जब उनकी फोटो होती है तो उस फोटो में वो सिगार या सिगरेट पी रहे होते थे, और एक जैसे सुरेंद्र मोहन पाठक वगैरह की अगर किताब हो तो एक ब्लैक गॉगल उन्होंने लगाया होता था। तो मुझे लगता था कि, और मेरठ तो पूरा गढ़ है आपका पल्प फिक्शन का, तो और वहां के भी राइटर्स की किताबें, तो मेरे घर में विवेकानंद से लेके प्रेमचंद तक और सुरेंद्र मोहन पाठक से लेके जेम्स हेडली चेज तक सब कुछ पढ़ा रहता था, मतलब तमाम सैकड़ों किताबें। तो मुझे ये लगता था उस समय पे जब मैं 11th 12th में था कि जो सिगरेट और सिगार वही लोग पी सकते हैं, उन लोगों को ऑफिशियल उनका श्रृंगार है जो राइटर होते हैं, तो मुझे बड़ा ही कूल लगता था वो चीज। फिर धीरे धीरे जब कॉलेज पहुंचे तो लगा कि ये तो लाइफ कहीं जा नहीं रही है, कहीं पहुंच नहीं रही है बात। और लेकिन थर्ड ईयर तक आते आते कॉलेज में कुछ प्ले वगैरह की बातचीत हुई कि कुछ लोगों ने बोला कि यार प्ले करो हमारे लिए, और तब तक कॉलेज में प्ले नहीं होते थे, और तब तक मैं किताबें बहुत पढ़ चुका था। मतलब मैं जो 2 साल मैंने अपने घर वालों को बेवकूफ बना के इंजीनियरिंग की तैयारी की, उस दौरान मैं केवल रजनीश और विवेकानंद और कहानियों की किताबें बहुत सारी पढ़ता था। तो वो थर्ड ईयर में आते आते जब प्ले लिखा तो वो सब कुछ फूट पड़ा, क्योंकि 100-150 किताबें मैं तब पढ़ चुका था ऐसे मजे के लिए, क्योंकि तब ना इंटरनेट इतना था ना तब मोबाइल ऐसे थे, तो ऐसे आप बोर ही होते रहते हो नॉर्मली, और खास करके जब छोटे शहरों में शायद तो आपको इतनी आदतें नहीं लगती ना कि कितनी फिल्म देख लेगा कोई, फिल्म देखना मुश्किल काम था ना पहले उस समय। तो वो जब प्ले लिखा तो जब स्टेज पे जब गए तो, और उस समय जब आप पहली बार लिखते हो तो आपको ये रहता है ना कि लाइमलाइट में आ जाए, तो मैं और एक मेरा दोस्त था मुक्तेश मिश्रा, हम दोनों ने मिलकर प्ले लिखा प्रगति पे उतारू भारत, और स्टेज पे जब गए हम लोग तो हमने कहा था हम लिखेंगे तो हम एक्टिंग भी करेंगे, ऐसा थोड़ी ना कि केवल राइटर राइटर है पीछे रहेंगे, तो हमने एक्टिंग भी की। जब एक्टिंग की और जब पहली बार ताली बजी आपके लिखे हुए पे, तो एक कॉन्फिडेंस आया कि 700 लोग हॉल में खड़े हुए आपके लिए ताली बजा रहे हैं। तो पहली बार ऐसा लगा 12th के 4 साल बाद कि लिखने में थोड़ी बहुत गुंजाइश है, और वो पहला ट्रिगर पॉइंट था राइटिंग की तरफ। वो प्ले अगर नहीं हुआ होता तो शायद मैं राइटर भी नहीं हो पाता, क्योंकि मुझे ये रियलाइजेशन था ही नहीं। फिर ये 2 साल करते कराते 3-4 प्ले किए कॉलेज में और बीत गए, और जैसा कि पहले से भी मुझे पता था कि मेरी नौकरी लगनी नहीं थी, तो इंजीनियरिंग के बाद जब मैं अपने मोहल्ले में लौटा लखनऊ में, तो एक तरीके से पढ़ाई जैसे नहीं होता है कि कोई पूछ रहा है कि बेटा छुट्टी कितने दिनों की है, किसी को लग रहा है कि अभी तो थर्ड ईयर ही हुआ है अभी तो नौकरी लगेगी दुबे जी के लड़के की। और चूंकि फादर ब्यूरोक्रेट थे और ठीक ठाक अपनी लाइफ में कर रहे थे, तो एक नेचुरल प्रेशर बहुत था मेरे पे, हालांकि उन्होंने कभी पढ़ने के लिए नहीं बोला मुझे, कभी किसी चीज का प्रेशर नहीं दिया, बट एक आप अपने आप बना लेते हो ना कि आपके आधे चाचा कोई SP है, कोई SDM है, कोई DM है, तो एक नेचुरल उनके हॉस्टल के लोगों का, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के थे, तो एक प्रेशर था कि अरे इनके दोस्त तो इतने अच्छे अच्छे हमारे दोस्त क्या कर रहे हैं, कोई इन्फोसिस में 15,000 की नौकरी कर रहा है, किसी की नौकरी नहीं लग रही है, तो एक मैंने खुद ही बना लिया था अपने ऊपर प्रेशर, ऐसा किसी का था नहीं। तो फिर वहां पे एक लखनऊ में एडवर्टाइजिंग एजेंसी के लिए मैंने थोड़ा बहुत, जब मैं MBA की तैयारी कर रहा था, क्योंकि मुझे BTech का तो समझ में आ गया था कि मेरे से हो नहीं पाएगा, मैं और खराब इंजीनियर बन के देश की डिससर्विस करने से बढ़िया है कि मैं वो करूं ही नहीं काम ना, कम से कम सीट बेकार तो फिर भी कम नुकसान है, जिंदगी भर ज्यादा नुकसान से मैंने बचा लिया इस देश को। तो उसके बाद फिर मैं वहां पे मैंने एजेंसी के लिए कुछ एक एड्स लिखे जो TV पे भी आए, तो तब तक थोड़ा मुझे मतलब लिखने में गुंजाइश होती चली गई वहां पे। फिर 1-2 साल हुआ, फिर MBA पहुंचा, MBA मैंने थोड़ी ठीक ठाक जगह से किया, सिम्बॉयसिस का एक कॉलेज है SIBM पुणे, तो वहां से जब करे थे तो वहां पे पहली बार मेरे को ऐसे लोग टकराए कॉलेज में, क्योंकि MBA में बहुत अलग अलग तरीके के लोग आते हैं, तो कुछ लोग ऐसे टकराए जिन्होंने बहुत सीरियस प्ले कर रखा था, तो मेरे को बोला कि कुछ लिख के लाओ। जब मैं लिख के ले गया तो पहली बार मेरा दोस्त एक समर्थ है उसने वो रिजेक्ट किया जो मैंने लिखा था, और तब मेरे को पहली बार रिलाइज हुआ कि लिखना इतना भी आसान काम नहीं है, क्योंकि अभी तक जो लिखा था सब सेलेक्ट होता जा रहा था ना फट 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 फट, तो वो रिजेक्ट हुआ था मैंने दोबारा लिखा, तो मुझे और मजा आया वो दोबारा लिखने में, और फिर उस तो फिर मुझे लगा यार तो सीरियस चीज है, तो वहां पे एक सिलसिला शुरू हुआ। फिर उस दोस्त ने कई सारी फिल्में शॉर्ट फिल्में बनाई, तो मैंने उसके लिए लिखता गया लिखता गया, फिर धीरे 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 करके फिर अभी तक भी ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम राइटर हैं। ये करते कराते 5-7 साल, जैसे 2005 में मैं कॉलेज से निकला और 2011 तक मुझे कुछ भी नहीं था कि
राइटर वाइटर वाला कोई कीड़ा भी नहीं था, ना वो याद था कि कभी राइटर होना भी है लाइफ में, लेकिन पढ़ता चूंकि बहुत था मैं, वो आदत थी मेरे अंदर नेचुरली। तो एक पॉइंट पे फिर लखनऊ में जब मैं नौकरी कर रहा था आइडिया सेलर करके जो कंपनी है मोबाइल वाली, तो वहां पे, और इस मेरे साथ बुरा क्या हो रहा था कि मैं जब इंजीनियरिंग भी, जब मेरा मन हट गया था तो मेरे नंबर बढ़ते चले गए, एमबीए में मेरा मन कम था तो भी मेरे नंबर बढ़ते चले गए, जब मैं नौकरी में मेरा मन नहीं लगता था तो भी मेरी परफॉर्मेंस पे वहां पे अप्रेजल अच्छे होने लगे। एक पॉइंट के बाद एक मेरे बॉस आए और उन्होंने मेरे को थोड़ा शेक किया कि ये क्या तुम तो कुछ करते नहीं हो, दिन भर बैठे रहते हो। तो जैसे एक हर किसी की लाइफ का एक सेंस ऑफ बीइंग होता है ना, और उस सेंस ऑफ बीइंग को कोई छीन लेता है कई बार आपको। जैसे जैसे महात्मा गांधी जी की लाइफ में एक क्लासिक मोमेंट है ना कि उनको ट्रेन से उतार दिया गया और उन्होंने उसके बदले में पूरे देश से खदेड़ दिया। सिनेमैटिकली भी अच्छा लगता है और अदरवाइज भी पता नहीं इतना बड़ा मोमेंट उनकी लाइफ का था या नहीं था, लेकिन एक चीज लगता है कि हाँ कोई एक रीजन मिला कुछ करने का। तो उस आदमी ने जो आए मेरे बॉस, उन्होंने मेरा जीने का रीजन ही छीन लिया था। मैं एक तरीके से वो रोज मेरे से एक्सेल शीट भरवाते थे कि सुबह से शाम तक बताओ कि 10 बजे से 7 बजे तक करते क्या हो। अब ये बड़ा मुश्किल हो जाता है ऑफिस में अगर आप काम करते हो, क्योंकि हर कोई काम नहीं करता ना दिन भर, वो 2-4 घंटे काम करता है, बाकी थोड़ा चाय पानी करता है, फिर थोड़ा टाइम पास करता है, चला आता है, तो वो बड़ा मुश्किल। तो मैंने फिर उस फ्रस्ट्रेशन से निकलने के लिए हर वीकेंड में कहानी लिखता था मैं, और हर मंडे को, चूंकि जो हमारे बॉस थे उनको तो जिम विम करना होता था तो जिम करने 6 बजे चले जाते थे हम लोगों को काम देके, हम लोग 9-10 बजे तक पूरी की पूरी टीम बैठी रहती थी वहां पे। तो मैं हर वीकेंड एक कहानी लिखता था और हर मंडे को अपने दोस्तों को बैठा के, जैसे सत्यनारायण की कथा सुनाई जाती है वैसे बैठा के 8-10 लोगों को कहानियां सुनाता था। वो मेरे हैबिट में आ गया, मैंने 13-14 हफ्ते तक लगातार वो काम किया। जब 13-14 हफ्ते मैंने काम किया तो वो एक किताब की शक्ल ले ली उसने, जो पहली मेरी किताब भी बनी, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई और शर्तें लागू। और उसके बाद से जब पहली किताब आई तो मैं बहुत सीरियस नहीं था, मतलब मुझे लगा कि यार ये सब तो मतलब आ गई, एक किताब आने में क्या है, लेकिन जिस तरीके से उसका रिस्पॉन्स आया तो मुझे लगा कि नहीं, दिस इज सीरियस बिजनेस, यहाँ पे गुंजाइश है, बहुत कुछ किया जा सकता है। लोग बोलने के लिए बुलाने लगे और कहानी सुनाने के लिए बुलाने लगे और फिर अलग अलग कॉलेज में बुलाया, तो मुझे लगा मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है कि बुलाया। तो फिर दूसरी किताब फिर लिखी, फिर तीसरी, फिर एक पॉइंट के बाद में जब आप और क्राफ्ट आपका एक एक उम्र के साथ आता है, थोड़ी पढ़ाई के साथ आता है, थोड़ी मेच्योरिटी के साथ आता है, तो फिर नॉवल आया, नॉवल हुआ अच्छा बना। तो फिर इस दौरान मैं पैरेलली क्या हो रहा था कि रोज जब आप पैरेलल दो चीजें कर रहे होते हो कि आप राइटिंग भी कर रहे हो आप नौकरी भी कर रहे हो, तो आपको रोज ये भी लगता था यार कोई दिन ऐसी सुबह होगी कि मैं फुल टाइम राइटर हो जाऊंगा। तो मैंने फिर आइडिया की नौकरी एक पॉइंट पे छोड़ी और उसी दौरान फिर मैंने मैंने ब्रेक पे गया मैं, तो उस दौरान फिर मेरे को जो एक चैनल है स्टार प्लस, स्टार भारत और हॉटस्टार, स्टार नेटवर्क जो है, तो इनके लिए इन्होंने कहा कि हमारे लिए आप आके कंसल्टिंग करो, कुछ एडिटर जैसा कुछ करो काम। तो वो मैंने कुछ दिन किया, तो फाइनली अब उससे भी मैं फ्री हो गया हूँ और अब फुल टाइम राइटिंग में आ गया हूँ। मतलब एक तरीके से जैसे मैं हर एक राइटर्स लाइफस्टाइल होता है ना, जो हम एक सोचते रहते हैं हमेशा कि हम जैसे हम लोग जब बड़े बड़े राइटर्स को सोचते हैं तो ऐसे सोचते हैं कि वो कहीं पहाड़ में बैठे होंगे, आराम से चाय पी रहे होंगे, कॉफी पी रहे होंगे, सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट पी रहे होंगे और लाइफ के बारे में सोच रहे होंगे बड़ी बड़ी बातें और फिर कुछ लिख रहे होंगे। तो वैसा तो नहीं हुआ लाइफ में, मैं मुंबई में हूँ, लेकिन अब मेरे को ये देख के बड़ी खुशी होती है कि जब मैं आराम से 10 बजे टहल के लौट रहा होता हूँ पार्क से और मैं बहुत लोगों को जब जाते हुए ऑफिस देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि जैसे मैं कुछ दिन पहले मैं भी ऐसे ही था और एक नेक्स्ट एक कदम आगे थोड़ा सा जो मैं सोचता था वो के लिए। अब आगे कितना सक्सेसफुल है नहीं है वो बहुत बात की बात है, वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन राइटिंग ने एक मेरे को पैरेलल करियर की तरीके से दे दिया जहाँ पे पैसा भी है और थोड़ा बहुत नाम भी है। और राइटिंग की अच्छी बात यह है कि अगर मैं कहीं पे कितना भी अच्छा मैनेजर होता तो मुझे ऐसे बोलने के लिए नहीं बुलाते, आप लोगों से बात करने नहीं मिलता, तो उसका एक एडवांटेज ये भी है कि ऐसे बहुत सारी नई मुलाकातें होती हैं और नई कहानियां मेरे को पता चलती है। तो मोटी मोटी ये जर्नी है, मतलब अगर आप वैसे देखोगे बाय द बुक्स तो एज अ मिडिल क्लास फैमिली का मैं बिल्कुल पोस्टर बॉय हूँ कि जिसने अच्छे से पढ़ाई की, पढ़ाई में जो ठीक था उसने अच्छी एक नौकरी की और वो सब कुछ करके बाद में जो क्लाइमैक्स था जहाँ पे उसको और अच्छा करना था वहां पे उसने यू टर्न ले लिया। So, आपको कूल वाले चश्मे और सिगार और विस्की का ग्लास ये सब मिल गया है फिगरेटिवली? नहीं तो अब अनफॉर्चुनेटली जब मुझे ये सब करने की मेरी उम्र आई तब तक मैं सब कुछ छोड़ चुका हूँ। आप
ओशो से काफी इन्फ्लुएंस थे एक टाइम पे, तो ये सब इन्फ्लुएंस तो नहीं, मतलब मैंने रजनीश पढ़ा बहुत, और क्योंकि मेरे फादर भी पढ़ते थे तो घर में बहुत सारी किताबें थी, मतलब मैंने 60-70 किताबें पढ़ ली एक समय पे, और मैं लेकिन इन्फ्लुएंस ऐसा बिल्कुल नहीं था कि मुझे आश्रम जाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं था कि मुझे सन्यासी हो जाना है। इन्फ्लुएंस एज इन क्योंकि रजनीश का जो लॉजिक बिल्ड करने का तरीका है, आर्ग्यूमेंट बिल्ड करने का तरीका है, वो मुझे बहुत सारे जो बाबा थे उस समय मार्केट में उन सबसे बहुत फार फार बेटर लगता था, और अभी भी मेरे को लगता है कि इधर तो मैंने मुझे लगता है 5-7 साल से नहीं पढ़ा होगा रजनीश को, लेकिन अपने पूरे इंजीनियरिंग में 4 साल मैंने, और उससे 2 साल पहले 4-6 साल खूब पढ़ा, मतलब बिल्कुल जिसको बोलते हैं कि हर महीने जो मैगजीन आ रही है वो पढ़ रहे हैं, तो उसने शायद शेप भी किया, लेकिन जितना मुझे लेना था मैंने 21-22 साल 23 साल की उम्र तक लेके फिर छोड़ दिया। तो अब आप किससे इन्फ्लुएंस्ड हैं? अब मेरे को बाबा लोग तो इन्फ्लुएंस ही नहीं करते, मुझे खुद लगता है कि मैं ऐसी ऐसा काम कर सकता हूँ जो बाबा लोग करते हैं, अगर मैं थोड़ा अपने कपड़े और अपने बाल बढ़ा लूं। डिजिटल बाबा बन गए आप। नहीं, मेरा बहुत मन था, हम लोग की हरिद्वार में जमीन भी थी कि हम लोग यही काम करेंगे, लेकिन फिर फाइनली लगा कि कॉन्शियस आपका अलाउ नहीं करता ना कुछ चीजों के लिए, लेकिन मुझे खूब अच्छे से पता है जो आजकल चल रहा है उसमें बहुत सारे लोग वो मुद्दा फेथ का होता है, और फेथ बहुत सब्जेक्टिव चीज है, कब किसको कहाँ कौन देते आपको पता नहीं रहता, लेकिन इससे बड़ा इंपॉर्टेंट ये एक चीज आप लेके आओ, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे जो मैं मानता हूँ कि इस पूरी दुनिया में लिटरेचर का जो काम है, किताबों का जो काम है, जैसे खास करके मेरठ या मुजफ्फरनगर या हरदोई शाहजहांपुर लखनऊ जैसे शहरों में, हर मोहल्ले में जो भी हमारी अपब्रिंगिंग होती है ना, एक भैया होते हैं, वो भैया होते हैं जो हमें शायद पहली बार ना सब चीजें बताते हैं, वो पहली बार स्कूटर चलाना भी हमें सिखाते हैं, वो पहली बार गाड़ी में बताते हैं, और हमारी पीठ पे ऐसे हाथ रख के बोलते हैं अबे टेंशन मत लो, हमारा कहीं सिलेक्शन नहीं होता है तो हमें समझाते भी हैं अबे टेंशन मत लो सब सही हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि जैसे जो उस मोहल्ले के उस भैया का काम है ना, वही लिटरेचर का काम है कि टेंशन मत लो एक दिन सब ठीक हो जाएगा। तो मैं इसी अप्रोच से कहानियां लिखता भी हूँ और वो करता हूँ, तो जो इस तरीके के बाबा भी लोग हैं उनका भी काम ये, क्योंकि लोग इतने ज्यादा परेशान है, वो होप की तलाश में हम लोग इतने ज्यादा है कि बहुत सारे बाबाओं का स्कोप है उसमें, कुछ आई एम श्योर बहुत अच्छे होंगे कुछ, लेकिन बाबा इस वजह से सक्सेसफुल नहीं है कि वो जो वो कर रहे हैं, एक्चुअली लोग के अंदर होप इतनी कम है, उम्मीद देने वाले लोग इतने कम है कि इस वजह से बाबा लोग ज्यादा सक्सेसफुल है जो मुझे लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हुए बेसिकली आपके संडे वाली चिट्ठी और स्टोरी बाजी का जो कंसेप्ट है बड़ा नॉवल है, तो ये कहां से आपने डेवलप किया इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। तो पहले मैं स्टोरी बाजी का बताता हूँ, होता क्या था कि जब शुरू में जब किताब आ गई तो मुझे कई जगह बोलने के लिए जब बुलाया जाता था लिट फेस्ट में, और उसमें तो हमेशा आपसे पूछा जाता है कि आपकी जर्नी क्या है जी। और जर्नी के साथ प्रॉब्लम मेरी क्या थी ना कि मैं ठीक ठाक फैमिली से था, तो मेरी जर्नी में ना ऐसा कोई अप एंड डाउन स्ट्रगल नहीं था, जैसे कि अल्टीमेटली जर्नी होती ना कि बिल्कुल आपको बिल्कुल खाने को नहीं है पीने को नहीं है और फिर वहां से आपने कुछ बिल्ड किया, उसको तो मैं स्ट्रगल मानता हूँ, बाकी सब कुछ जो भी मतलब मैं पर्सनली ये बोल रहा हूँ कि जिनको भी खाने पीने की बचपन से दिक्कत नहीं रही है वो मैं स्ट्रगल नहीं मानता, मतलब मैं ये मानता हूँ जैसे वो स्ट्रगल आपके बनाए हुए होते हैं कि आपका एक दो एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ मेडिकल में इंजीनियरिंग में MBA में UPSC में, तो ये कोई इस तरीके के फेलियर को मैं फेलियर मानता ही नहीं, तो जब मैं बताता था अपनी जर्नी ना तो वो मुझे खुद ही एक्साइटिंग नहीं लगती थी वो जर्नी, मैंने कहा इतना ज्यादा तो मैंने स्ट्रगल ही नहीं किया मैं क्या बताऊं इसमें। उस चीज से बचने के लिए, इस जवाब से बचने के लिए जर्नी वाले, मैं ऐसी रैंडम कहीं पे था शायद उड़ीसा लिटफेस्ट में या कहीं पे, तो वह कोई बैठे थे, मैंने उनका नाम पूछा, उन्होंने बताया राहुल, इधर कोई बैठी थी महिला उनका पूछा तो उन्होंने बताया नाम नेहा, तो मैंने वहीं पे एक कहानी बना दी, और वो कहानी जैसी आप ऑडियंस को लेके कहानी बनाते हो तो वो ऑडियंस उसमें और इन्वॉल्व हो जाती है, एंगेज हो जाती है, जैसे मैं एक बात बोलूं कि यार मेरे साथ ये हुआ था, और एकदम से कोई आपको कोई कहानी बता रहा हो और सामने वाला अरे तुम्हारे साथ ये हुआ था, तो आपको एकदम से लगता है अरे ये तो हमारी कहानी है, हमारे लिए वो कहानी फिक्स रहती थी मेरे दिमाग में, तो वो ये जब मैं करने लगा और ये सक्सेसफुल होने लगा तो मैंने इसको फिर ट्रेडमार्क कराया स्टोरी बाजी नाम से, जहाँ पे जो ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग है वो एक आदमी सुनाता है और बाकी लोग सुनते हैं, मैंने लेकिन उसमें जो सुनने वाला है उसको कैरेक्टर बना दिया, जो सुनने वाला वो उसका हीरो है कहानी का, मैं हीरो नहीं हूँ, जो सुना रहा है वो हीरो नहीं है, जो सुन रहा है वो हीरो या हीरोइन है उस कहानी का, तो वो चीज फिर क्लिक कर गई
फिर स्टोरी बाजी, फिर मैंने उसको और इनोवेट करके उसमें म्यूजिक ले आया उसमें, फिर एक गिटारिस्ट भी साथ में मेरे जो करते हैं, जैसे एक फिल्म आई थी ड्रीम गर्ल, तो उसमें जिन्होंने म्यूजिक बैकग्राउंड स्कोर दिया था श्रीधर नागराज, तो वो मेरे साथ करते हैं। एक मेरा जूनियर था सौरभ, वो मेरे साथ करता था जो जिस टाइम पे अवेलेबिलिटी हो। तो फिर उसमें हमने म्यूजिक, क्योंकि कहानियां असल में बहुत सुनने की चीज है ना, मतलब वो आप पढ़ने के बियॉन्ड कुछ किस्से होते हैं जो आप सुना के ही समझा सकते हैं, वैसा तो। तो ये था, और संडे वाली चिट्ठी का ख्याल इसलिए आया था क्योंकि मुझे ये लगता था कि जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, हम लोग चिट्ठियां लिखना भूलते चले गए, मतलब मेरी आखिरी जनरेशन थी जिसने हाथ से चिट्ठियां लिख के पोस्ट की होंगी, उसके बाद से अब ऐसा बहुत रेयरली होता है। तो मेरा एक दोस्त है जो मेरा रूममेट भी था, वो मुझे हर साल एक दो चिट्ठियां लिखता है नए साल पे, और अभी भी हाथ से लिख के। तो उससे मुझे ख्याल आया कि मुझे भी डिजिटली सही ऐसे ऐसे लोगों के नाम चिट्ठियां लिखनी चाहिए जिनके नाम कोई चिट्ठियां नहीं लिखता। तो वो इतना यूनिक था, ये बात बहुत ही साधारण सी बात थी लेकिन वो अपने आप में यूनिक थी उसका एक्शन। तो जैसे मैं उन चिट्ठियों में, जैसे अब अपनी बीवी को कोई चिट्ठी नहीं लिखता, तो अपने बेटे को कोई चिट्ठी नहीं लिखता, वो इतना ऑर्डिनरी थी वो सब चिट्ठियां, लेकिन वो यही उनकी ब्यूटी थी कि वो ऑर्डिनरी थी, और वो बहुत इसीलिए वो सबसे सब लोग उससे रिलेट भी कर पाए इसी वजह से, और वो चल निकला फिर उस हिसाब से। बहुत बढ़िया। तो एक छोटा सा सेशन हो जाए, एक स्टोरी टेलिंग, कोई आपकी जरूर फेवरेट जरूर 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 जरूर, ऑडियंस के तो लिए। जरूर। तो ये जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी का नाम है पेरेंट्स टीचर मीटिंग, और हम सब लोगों ने पेरेंट्स टीचर मीटिंग के बारे में सुनी रखा है और कभी ना कभी देख रखी है। तो हर जनरेशन में ऐसा होता है कि जो एक जनरेशन होती है वो अपनी पिछली जनरेशन से बोलती है कि अरे तुमने क्या किया है प्यार, प्यार तो हम किया करते थे जैसे, और ये बात मेरे पिताजी को भी लगती थी कि तुम लोगों ने क्या किया प्यार, प्यार तो हम किया करते थे। तो जो मेरे पिताजी थे उन्होंने जो सच्चा प्यार किया था, वो इस हिंदुस्तान के सारे पिताओं की तरह जो सच्चा प्यार किया था वो मेरी मम्मी से नहीं किया था, वो किया था उन्होंने मेरी क्लास सेकेंड की क्लास टीचर से, मीना पाठक उनका नाम था, और पापा जी प्यार से उनको मीना कुमारी बुलाया करते थे। और हुआ कुछ ऐसा कि मैं पढ़ने में कोई कमजोर नहीं था, लेकिन मैथ्स के टेस्ट की कॉपी जब घर में आई क्लास सेकेंड में तो चेक की गई, तो मेरे वहां पे 20 में से 19 नंबर थे, 19 out of 20। और दुबे खानदान में पिछले 150 सालों में मैथ्स में एक नंबर किसी का भी नहीं कटा था, हर खानदान में ऐसे ही होता है लेकिन हमारे यहाँ भी ऐसे ही था। तो पिताजी ने कहा अरे ऐसे कैसे एक नंबर कट गया, देखी उन्होंने जब कॉपी चेक की तो उसमें उन्होंने ये पाया कि मैंने सवाल सही कर रखा था, मैडम ने मीना मैडम ने शायद ध्यान नहीं दिया, वो एक सवाल चेक करना रह गया था। तो पिताजी घर अगले दिन तनतनाते हुए मेरे स्कूल पहुंचे, और जब वो स्कूल पहुंचे अपने प्रिया स्कूटर से, तो उससे पहले मैंने लव एट फर्स्ट साइट केवल सुन रखा था, मैं अपने सामने लव एट फर्स्ट साइट होते हुए देख रहा था। फिर जब जैसे ही पिताजी थोड़ा सेटल हुए तो मैडम ने पूछा कि यहाँ कैसे, तो पिताजी जितने गुस्से से आए थे, उनके जितने गुस्से से वो स्कूल के अंदर एंटर किए थे, उनका गुस्सा ऐसे गायब हो गया जैसे डिमोनेटाइजेशन के बाद से इस देश से काला धन गायब हो गया, बिल्कुल साफ। और मैडम ने पूछा कि भाई दुबे जी यहाँ कैसे, तो पापा जी ने बताया कि नहीं मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि हालचाल ले लूं। तो मैडम ने कहा तो कितनी अच्छी बात है आपने कॉपी चेक कर ली, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ नहीं दिक्कत है दिक्कत है, पापा जी कह रहे नहीं अरे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैडम ने कहा कि भाई देखिए जो डिप्पी है, मेरा नाम डिप्पी था, और ये पढ़ने में अच्छा है लेकिन थोड़ा और फोकस करेगा तो और अच्छा हो सकता है, और इसकी हैंडराइटिंग बड़ी खराब है तो आप हैंडराइटिंग भी अगर ध्यान दे पाए। तो पापा जी ने तुरंत कहा कि मैडम ऐसा है इसकी हैंडराइटिंग ऐसे नहीं सुधरेगी, आप इसके मैथ्स के पेपर में भी हैंडराइटिंग के नंबर काट लिया कीजिए तभी ये मानेगा। तो मैडम ने कहा बिल्कुल ठीक है, और मैडम बड़ी खुश हुई कि आप तो ऐसे आ गए पूछने, कितने कंसर्न पेरेंट हैं, कितने पेरेंट्स तो ऐसे हैं जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में भी नहीं आते हैं। पिताजी के कान में ये 3 नए शब्द पड़े, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। पिताजी ने पूछा कब है ये पेरेंट्स टीचर मीटिंग, तो मैडम ने बताया कि बस अगले शनिवार को है और आप आइए। और इसके बाद पापा जी ने वादा किया कि मैं डिप्पी की हैंडराइटिंग पे पर्सनली मेहनत करूंगा।
अब उसमें एक टेक्निकल दिक्कत थी इस बात में, क्योंकि पिताजी की हैंडराइटिंग खुद ऐसी थी कि वो एक बार जो सुबह लिख देते थे शाम को खुद नहीं पढ़ पाते थे। ऐसे एक आदमी को मेरी हैंडराइटिंग पे मेहनत करनी थी। तो खैर दिन बीते और वो क्लासिक दिन आया जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी और हम लोग प्रिया स्कूटर से लहराते हुए स्कूल पहुंचे, और जाते ही मीना मैडम ने मेरे यहाँ माथे पे प्यार किया और मैंने अपने पिताजी को ऐसे देखा। तो मैंने कहा आप कितनी बैटिंग कर लो, छक्का तो हमें ही मारना है। फिर अच्छा एक चीज, जो हम लोग 90s में बड़े हो रहे थे ना, हम वो बड़ा यूनिक जनरेशन थी इस मामले में कि जैसे हम लोगों को खूब अच्छे से पता रहता था कि 8:30 बजे दूरदर्शन पे जो समाचार आता है उसके जब ब्रेक होता है तो उसमें किस चीज का ऐड आता है। हम लोग इतने समझदार थे कि हम लोग अपने आप पानी लेने चले जाते थे। तो जैसे ही मैना मैडम ने जैसे मुझे यहाँ प्यार किया, मैंने पिताजी को देखा, उसके बाद मैं उनको छोड़ के क्रिकेट खेलने चला गया, अज्यूमिंग ये मानते हुए अपने पिता पे मुझे इतना भरोसा था कि वो लोग मेरी पढ़ाई को बेहतर करने की ही कोई बात कर रहे होंगे। दिन बीतते गए और हुआ कुछ ऐसा कि मेरी राइटिंग तो सही हो ही गई, मैं स्कूल में फाइनल एग्जाम में टॉप कर गया। और जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन मैडम ने कहा कि दुबे जी पार्टी मैं दूंगी। तो पापा जी ने कहा नहीं पार्टी तो हम देंगे। 10 मिनट तक आगे पीछे होता रहा, फिर फाइनली एक दिन तय हुआ कि इस दिन पार्टी होगी। और वो दिन इस मामले में इंपॉर्टेंट है, इतिहास में वो इसलिए दर्ज होगा क्योंकि उस दिन एक बड़ी क्लासिक चीज हुई थी कि उस दिन उस महीने की मम्मी की किट्टी पार्टी थी, तो मम्मी उधर बिजी थी तो उस पार्टी में वो नहीं आ सकती थी। तो हम लोग फाइनली एक एक रेस्टोरेंट में पहुंचे, और रेस्टोरेंट में पहुंचने से पहले मैं प्रिया स्कूटर पे, मैं पीछे और पापा जी चला रहे थे, और हम लोग मीना मैडम के मोहल्ले में पहुंचे। और जब वो मैडम आई तो मैं एक समझदार लड़के की तरह पीछे वाली सीट से उठ के आगे आके खड़ा हो गया, वो पीछे बैठ गई। जब हम लोग मोहल्ले से निकल रहे थे तो वो जो साइट थी, जो वो जो जो फ्रेम था, वो मतलब हम लोग ऐसा लग रहा था जैसे कि छोटा परिवार सुखी परिवार के हम लोग ब्रांड एम्बेसडर हो, जब हम जा रहे थे उस मोहल्ले से। फिर करते कराते हम उस रेस्टोरेंट पहुंचे और रेस्टोरेंट में पिताजी ने मसाला डोसा और दो मसाले डोसे ऑर्डर किए और मेरे लिए सादा डोसा ऑर्डर हुआ। और मसाला डोसा इतने में आता, फिर मैडम ने मुझे अपने पास बुलाया और मेरे माथे पे फिर से प्यार किया। इस बार मैंने पिताजी की तरफ नहीं देखा, इतना भी चढ़ाना ठीक नहीं है। उसके बाद मैडम ने एक छोटा सा पर्स निकाला। अब आजकल तो पर्स बहुत बड़े हो गए, मैं अपनी बीवी का पर्स देखता हूँ उसमें इतना सामान आ जाता है कि वीकेंड भर के लिए भी कहीं जाना है तो जा सकते हैं। तो उस समय छोटे से पर्स होते थे, तो छोटे से पर्स से मैडम ने एक छोटा सा कार्ड निकाला, पापा जी की तरफ बढ़ाया और कहा भाई साहब पूरे परिवार के साथ शादी में आना है। ये सुनते ही पापा जी को जो झटका लगा सो लगा, उनको मसाला डोसा खाने में, इसके बाद हुआ क्या कि उनको मसाला डोसा खाने में बहुत दिक्कत हुई उस दिन, और उस शादी के बाद से मीना मैडम ने स्कूल आना छोड़ दिया, और पिताजी ने मीना मैडम के स्कूल में ना होने की वजह से स्कूल आना पिताजी ने भी छोड़ दिया, जो यादा कदा वो आते थे। मेरे पिताजी किसके बाद के साथ ये हुआ कि उसके बाद उनको मसाला डोसा से इतनी ज्यादा नफरत हो गई कि आज की डेट तक वो मसाला डोसा नहीं खाते हैं। उनका इस देश के एजुकेशन सिस्टम पर से ही विश्वास उठ गया इस घटना के बाद। मीना मैडम ने शादी के बाद आना छोड़ दिया, मेरी हैंडराइटिंग पे उसके बाद से ध्यान नहीं दिया गया, तो मेरी हैंडराइटिंग भी खराब रह गई और मैथ्स भी कमजोर रह गई। अब मैं इस उम्मीद में हूं कि कब मेरा बेटा क्लास 2 में जाए और मैं थोड़ा बहुत ही सही अपने पिताजी जैसा महसूस कर पाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। मजा आ गया, मजा आ थैंक गया। यू थैंक यू। रियली सो आपका बहुत डिजिटल प्रेजेंस है, आप अगर गूगल करेंगे तो बहुत कुछ आपके बारे में निकल के आता है। और मैं देख रही थी आपके बुक लॉन्चेस जो भी जो हैं वो सेट बुक लॉन्च फॉर्मेट पे नहीं होते, कोई चीफ करेक्ट गेस्ट नहीं है, करेक्ट कोई इस तरह का शोशेबाजी, ये सब कुछ नहीं है। करेक्ट इनफैक्ट ये क्या आपकी सोची समझी हुई चाल है, चाल ही कह रही हूँ, या नहीं तो बाय उसमें चांस इंटेंशनल नहीं है, एक्सीडेंटल है? नहीं तो उसमें ना मेरे को हमेशा से होता क्या है, मैं इसलिए कभी नहीं मानता, जैसे आप यहाँ पार्टिसिपेंट से भी एक सवाल भी आया, वो भी हम लेंगे थोड़ी देर में। जी जी राइटर
मैं हमेशा ये मानता हूँ कि जैसे ना हर समय के साथ तरीके बदल जाते हैं। अब आप जी जैसे मान लो आपको अपने बुक आई, आपको इवेंट करोगे तो आप क्या करोगे? इवेंट में आप अपने कुछ दोस्तों को बुलाओगे, वो दोस्त जी मोस्टली आपके फेसबुक या व्हाट्सएप पे भी होंगे, और इतना जी तामझाम करके जहाँ पे आप उनको बुला के उनका समय खराब करके, समय खराब ना भी करिए उसमें, हो सकता है कोई बहुत कोई आए आपकी किताब की तारीफ करे, वो जो 2-3 घंटे का जो प्रोसेस है ना पूरा का पूरा, उससे आप कितने लोगों तक पहुंचोगे? वही घूम फिर के 50 लोग, 100 लोग ज्यादा से ज्यादा, और कहीं बात पहुंचेगी नहीं। 100 किताबें बिकना कोई इतनी बड़ी चीज होती नहीं है, और वो आप इंफॉर्मेशन ओवरडोज करते हो, क्योंकि ना ये कहने को ना बड़ा ऑकवर्ड भी हो जाता है कि आपने एक चीफ गेस्ट को बुलाया और वो आके आपकी तारीफ कर रहे हैं और वो सब कुछ है, वो तामझाम हो रहा है, चाय समोसा से लेके पार्टी से लेके सब कुछ लोग करते हैं, इवन कॉकटेल भी होता है कई सारे बुक लॉन्चेस में, लेकिन ना इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड इंफॉर्मेशन, क्योंकि इंफॉर्मेशन फ्लो जो आपकी बुक का होना है वो वैसे भी होगा। देखिए वैसे बच्चन साहब जो है वो साल भर में 5 या 10 बुक लॉन्च करते हैं, आप किसी से भी पूछ लीजिए रैंडम, आपको बुक के नाम ध्यान है? नहीं ध्यान है। जब बच्चन साहब के किए हुए बुक लॉन्चेस के नाम हमें नहीं ध्यान है, तो फिर कोई आके वरिष्ठ साहित्यकार, कोई रिपोर्टर, कोई बहुत बड़ा, या कोई बहुत बड़ा आके एक्टर भी कर देगा, तो उससे कुछ कहीं बात ना पहुंचती नहीं। वो आप जुगाड़ लगा के ताएं बाएं करके एक आध पेपर में शायद आर्टिकल आ जाए, वो भी नहीं आएगा, तो उससे ना आपका टाइम एंड एफर्ट है। जबकि अगर आप मान लीजिए कि अगर आपको एक करना है कि आपको अब आपकी किताब आई तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो उसका तरीका भी है कि जो डिजिटल जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट है, आपने मान लीजिए कि आपने एक बजट दे रखा है, जो जो भी आपका बजट है किताब कि आप उस पर खर्च करोगे, आपका पब्लिशर खर्च करेगा, उससे बढ़िया है कि आप उसका फेसबुक या इंस्टाग्राम पे डिजिटल कैंपेन चला लें। अगर आपने वहां पे 10,000 का भी कैंपेन चला लिया तो आप 60-70 हज़ार लोगों तक आपकी किताब की बात पहुंच जाएगी, वर्सेस कि वो पैसे समोसे और कोल्ड ड्रिंक और चाय में वेस्ट हो। तो मेरा अप्रोच ये है, तो शुरू से भी, और मैं ना इसको ये मानता नहीं था कि ना, क्योंकि हम सारे नए तरीके से आ रहे थे लोग, तो हमें था कि हमें तरीके अपने बदलने पड़ेंगे कम्युनिकेशन के, हम पुराने ढर्रे पे नई बात नहीं बता सकते। इसीलिए मैंने इसीलिए आज तक बुक लॉन्च नहीं किया, और मैं फ्यूचर में भी कभी नहीं करूंगा, और इसीलिए मेरे लिए बड़ा ऑकवर्ड हो जाता है जब कोई बुक लॉन्च में बोलता है कि आप आके चीफ गेस्ट हो जाइए, तो क्योंकि मैं उस विचार से ही मैं सहमत नहीं हूँ, तो मैं हमेशा मुझे कोई बहुत ही फालतू का बहाना बनाना पड़ता है कि तबीयत नहीं सही है या कुछ ऐसा, क्योंकि मैं इस विचार से ही सहमत नहीं हूँ कि बुक लॉन्च करने चाहिए। अनलेस की बुक लॉन्च आप केवल उस केस में आप कर सकते हैं कि आपके मान लीजिए दादाजी ने कोई आपके लिए चिट्ठियां लिखी हैं और आप वो किताब पब्लिश कर रहे हो, तो आप अपने फ्रेंड्स फैमिली को बुला लें, जहां पे उस किताब का पर्पस ये नहीं है कि वो बिकेगी या नहीं बिकेगी, जहां पे इट्स अ गिफ्ट मोड ओनली है ना, तो वहां पे तो आप कर सकते हैं कि आप उसको सेलिब्रेट करें। मे बी मतलब हम लोगों ने बल्कि उल्टा सोचा है कि किताब को हमेशा जो लॉन्च के अलावा, जब वो एक आप एक माइलस्टोन जो दिमाग में ले लेते हैं वो करें, तब आप पार्टी करें। जैसे हम लोगों ने वो 1 लाख किताबों पे किया था, मेरे पब्लिशर ने, कि हमारी जब हो जाएंगी तो हम करेंगे, और वो 1 लाख होंगे वो पार्टी अब पेंडिंग है, तो वो अप्रोच ये होना चाहिए। मतलब इसलिए मैं नहीं करता, ये वेस्ट ऑफ एफर्ट है इस तरीके का। सो आपने एक अलग सा जॉनर बनाया है, एक अलग शैली है जिसमें इंग्लिश और हिंदी को मिक्स करके आप ऑडियंस तक पहुंचना चाहते हैं, यूथ से कनेक्ट करना चाहते हैं। सो ये भी क्या नहीं, इंटेंशनल हालांकि थी या ये बात ना, एक्सीडेंटल थी? ये बात थोड़ी सी, असल शुरुआती इंटरव्यूज में जो दिए थे हम लोगों ने ना, ये बात ना जी उतनी ठीक अब है नहीं। मतलब जैसे इंग्लिश का प्रयोग इस सेंस में, मतलब इंग्लिश के लिए नहीं किया था, जैसे वो नहीं, जहां पे आप देवनागरी के साथ रोमन स्क्रिप्ट यूज रोमन करते स्क्रिप्ट, हैं। हाँ तो वो, लेकिन ना ये जो किया गया था वो इसलिए केवल किया गया था कि वो इसलिए केवल किया गया था कि जैसे ना बहुत सारा यूथ है, जैसे एक जो बहुत सारे लोग जो किताबें नहीं पढ़ रहे थे, या जैसे ना मैं जब हम लोग आए थे जब किताब में ना, मेरा टारगेट ये नहीं था कि जो हिंदी किताबें पढ़ रहे हैं उनको मुझे हिंदी किताबें पढ़वानी है, मेरा टारगेट ये था जो अंग्रेजी की किताबें पढ़ रहे हैं लोग वो पहली हिंदी किताब पढ़े, दिस शुड बी द डेब्यू बुक फॉर देम टू रीड हिंदी, टू स्टार्ट रीडिंग हिंदी। तो जो कैरेक्टर अगर 25 साल का मेरी कहानी में कोई है और वो कॉल सेंटर में कोई लड़की काम करती है, तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली वो शुद्ध हिंदी में या हिंदी में प्योरली बात नहीं करेगी, वो ऐसी बात करेगी जैसे लोग करते हैं। तो वहां पे जहां पे जरूरत थी उन शब्दों की, तो वहां पे मैंने मिलावट नहीं की, उसका गला नहीं घोटा। जैसे बहुत बार हिंदी कहानियां आप जब पढ़ते हो ना, तो आपको ऐसा रियलाइजेशन होता है, और कई बार लेखक लोग ऐसा लिखते हैं
कि जैसे उस कहानी की जो हीरोइन है उसको पता है कि वो हिंदी कहानी की हीरोइन है, वो ऐसे बोलने लगती है जो नेचुरल नहीं रह जाता, उसका गला घोट देते हैं लोग उसको हिंदी के चक्कर में, को जैसे ग्लोरीफाई किया जा रहा है। तो वो मुझे वो सही नहीं लगती थी बात, मुझे लगता था कि, और ऐसा नहीं है कि हमने पहली बार एक्सपेरिमेंट किया, मैं अब रेनू की कुछ पुरानी किताबें देखता हूँ, वहां पे भी अंग्रेजी वर्ड खूब थे, उससे पहले इवन आगे की किताबों में थे, इवन प्रेमचंद की किताबों में भी जो वो जो वाली कहानी है बहुत ईदगाह, उसमें एक दो अंग्रेजी शब्द है, उनकी मंत्र कहानी जो है उसमें भी है, तो हम लोगों ने वो जो भूल गए थे लोग, स्क्रिप्ट में नहीं होंगे, नहीं कुछ एक वर्जन में जो पुराने वर्जन है उसमें रोमन में भी है, कुछ एक जगह जहाँ पे यूज हुआ है रोमन में भी है, जो कुछ एक प्रिंट्स है, कुछ एक प्रिंट्स में शायद बाद में उड़ा दिया गया, तो बहुत पुराने एक दो मेरे को प्रिंट्स मिले थे तो वहां पे थे, जैसे आगे की किताबों में रोमन में प्रिंट है, वो शेखर एक जीवनी में अगर आप देखेंगे तो उसमें अभी भी वो रोमन में प्रिंट है, लेकिन हम लोगों ने शायद वो चीज को इतना कभी अटेंशन नहीं मिला था, तो उसको रिमाइंड करा दिया कि हाँ भाई ये भी एक तरीका है बात कहने का, जो लोग रिलेट भी करते हैं ना उनको, और कई बार अंग्रेजी जब आप हिंदी में लिख रहे होते हो ना उसमें, तो वो ना पढ़ने में उसका फ्लो नहीं बनता है, वो भी टूटता है, तो वो भी हमने बहुत उस पर कई सारे टेस्ट किए थे कई सारे लोगों के साथ, कि अंग्रेजी को हिंदी में लिख के उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके, तो सबसे सिंपल ये है कि आप, क्योंकि उतना अंग्रेजी हर कोई कंज्यूम करता है ना व्हाट्सएप पे मैसेजेस में मेल्स में, तो वो इजी है वो बात कर पाना उसमें। सो आखिर क्वेश्चन लेते हुए, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर में मूवी की भी बात हो रही है, कोई फिल्म? हाँ नहीं तो मूवी के मैं राइट्स दे चुका हूँ अपनी किताब के मुसाफिर कैफे के, और अब क्योंकि मूवी में खुद नहीं लिख रहा, उसमें अपने आप में एक प्रोसेस हो जाता है पूरा कि वो स्क्रीन प्ले और वो सब, तो जो नेक्स्ट लेवल प्लान है, जो नई चीज आएगी, एक तो अभी मेरा रिसेंटली प्रोजेक्ट आया है, ऑडिबल ने एक ऐप लॉन्च किया है, ऑडिबल सुनो नाम से फ्री ऐप है, और वहां पे मैंने एक सीरीज किया पिया मिलन चौक नाम से, तो स्मॉल टाउन मीटिंग पॉइंट्स पे वो स्टोरी है, पिया मिलन चौक पे 14 कहानियां हैं जो मैंने अपनी आवाज में रिकॉर्ड भी की है, और उसी का सीजन 2 आएगा, और एक नया उस पे शो और आएगा, और एक दो और शो है ऑडिबल के लिए, और एक वेब सीरीज में लिख रहा हूँ, तो उस वेब सीरीज के बारे में भी जानकारी, चूंकि वैसा नहीं है कि ऑफिशियल में दे पाऊँ, तो वो मैं लिख रहा हूँ, तो ये सब ये भी अच्छा खासा लोडेड है, मतलब उसमें की काम जो है इस तरीके का। तो कोई बुक नहीं है? अगली किताब मैंने अभी जस्ट फिनिश कर लिया है, 2-3 दिन पहले ही खत्म करके भेज दी है, एडिट हो गया है उसका, तो जैसे ही लॉकडाउन खुलता है और डिलीवरी शुरू होती है अमेजोन की, तो हम लोग तुरंत वो किताब डालेंगे, इब्ने बतूती नाम से वो किताब आएगी। नाम क्या है? इब्ने बतूती। सो गरिमा, अब आप क्वेश्चंस ले लीजिए ऑडियंस के। ऑडियंस वुड लाइक टू प्लीज रेज योर हैंड। एक दो सवाल उसमें आए हुए थे, मैं पहले उन्हीं का जवाब दे देता हूँ, देख लेता हूँ एक सेकेंड, सवाल मुझे दिख रहे थे मैसेजेस में, वो विंडो ही चला गया मेरे। हाँ, अभी तो कोई सवाल नहीं दिख रहा है। नहीं, आ गया, एक सेकंड दिखाता हूँ। तो इसमें शिल्पा अग्रवाल ने पूछा है कि अमेजोन पर ऑडिबल बुक्स के बारे में आपकी क्या राय है। मेरे को लगता है कि ऑडिबल बहुत ही अच्छा मीडियम है, किताबें जैसे आप काम करते हुए भी सुन सकते हैं, और अब कई सारे प्लेयर भी आ गए हैं उसमें। इनफैक्ट मेरी जो अक्टूबर जंक्शन नाम की किताब है, स्टोरीटेल नाम की एक ऐप है, वहां पे आप सुन सकते हैं पूरी किताब, और मैं खुद अपनी किताबें अमेजोन पे रिकॉर्ड करने वाला हूँ, ये लॉकडाउन हो गया तो कर नहीं पाया, तो एक तरीके से ये बहुत ऐसा फॉर्मेट है ना कि आप ऑफिस में जा रहे हो, आप घर के काम कर रहे हो, तो भी आप किताब साथ में सुन सकते हो, और सुनना भी एक तरीके से पढ़ने जैसा ही हो जाता है, तो वो है। हालांकि जो बहुत ट्रेडिशनल रीडर्स हैं जैसे मेरे जैसे, वो अभी भी उनको फिजिकल कॉपी पसंद होती है और निशान लगा के ही पढ़ते हैं, तो वो भी है, लेकिन ये भी नया अप्रोच है, जैसे मैंने भी कुछ किताबें ऑडिबल पे सुनी है, और ऑडिबल ने ही नया ऐप भी लॉन्च किया है, तो उसमें आप वो शो भी देख सकते हो ऑडिबल सुनो पे, पिया मिलन चौक नाम का, जिसमें 14 नई कहानियां मैंने लिखी हैं। ये प्रियंका जैन जी ने लिखा है का, इज द रीडर बेस ऑफ हिंदी बुक सैटिस्फैक्टरी? नो इट इज नॉट। तो उसका रीजन ये है कि जैसे हिंदी जो किताबें हैं, और एक ना हम लोग का एक कॉलोनियल हैंगओवर भी चलता है, कि जैसे हम अपने बच्चों को, इनफैक्ट मैंने भी लखनऊ में भी देखा और अदरवाइज भी, कि जैसे अपने बच्चों को जब इंग्लिश किताबें खुद घर वाले देते हैं करते हैं, उनका एक, एक उनके पीछे एक मेंटेलिटी काम करती है कि और कुछ नहीं होगा तो 2-4 वोकैबुलरी ही सीख लेगा, है ना, वो कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। लेकिन हिंदी किताबें कोई भी जिस भी भाषा के आप हो, अगर आप जैसे यूपी में बैठे हो सकते, अगर बंगाली भी आप हैं या तमिल तेलुगु जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज है, और आप लोग अभी भी उसमें वो
अपने बच्चों को किताबें देने का कल्चर धीरे धीरे जाता जा रहा है, वो अंग्रेजी ने उसको, हालांकि जैसे जब मैं बोल रहा हूँ अंग्रेजी, तो मैं कोई एंटी इंग्लिश नहीं, हुआ नहीं चाहिए अंग्रेजी, अंग्रेजी में आपका काम रहता ही है, उसके बिना आप काम नहीं चला सकते एक पॉइंट के बाद, लेकिन जो आपकी अपनी भाषा है, क्योंकि ना जो हम बोलते हैं ना, जब मेरा भारत महान, आई लव माई इंडिया, तो एक मिनट के लिए आप ये सोचिए ना कि उस इंडिया में आपकी भाषा भी आती है और उस भाषा के लिए आप क्या कर रहे हैं। आपको जरूरी नहीं है आप कुछ करें, लेकिन जो आपके दादाजी और उसके दादाजी और नानी की नानी जो बोलती थी, उसकी कुछ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, बस इतनी सी बात है। वो बहुत सिंपल सी बात है, जैसे ना आप नानी या उनकी नानी जो है, एक तरीके से भाषा ना आपको अपने पूरे पिछले एक सीरीज से जोड़ती है, भले वो बदलती जा रही है लेकिन फिर भी कोई चीज जुड़ जाती है ना। इसीलिए हमारे बच्चों की जो कहानियां है वो कॉन्स्टेंट है, वही घूम फिर के हम सुनाते हैं उनसे, वो जैसे ही आप अपने बच्चों को सुनाते हो ना, तो आपकी पूरी पिछली जनरेशन सुना रही होती है वो कहानियां, उसमें उनकी भी आवाज होती है आपकी अपनी आवाज में, तो वो चीज थोड़ा मिसिंग है। और इंग्लिश इस वजह से भी थोड़ा ग्रो करती है ना कि नेचुरली लोगों को लगता है कि हम कुछ सीख भी रहे, तो दैट वे। हालांकि एक रिवर्स ट्रेंड शुरू हुआ है बहुत अच्छा, अब मैं देखता हूँ कि मेरी सबसे ज्यादा किताबें हमारी बैंगलोर में पढ़ी जाती हैं, दिल्ली में पढ़ी जाती हैं, जहाँ पे सबसे ज्यादा यूथ है और यूथ उसको पढ़ता है, 20 साल के बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं। मतलब मेरी तो सब किताबों का जो मैक्सिमम ऑडियंस है वो 18 से 26 और 26 से 32 है, उसके बाद कम है। ओके, मैं नानी जी पूछती हैं, हु इज योर फेवरेट ऑथर? तो मेरे कई सारे फेवरेट ऑथर हैं, जैसे एक जो मेरे बिल्कुल फेवरेट है और जिनको सभी को पढ़ना चाहिए, एक मनोहर श्याम जोशी करके राइटर है हिंदी के, बहुत अच्छे, जिन्होंने बुनियाद और हम लोग लिखा था टीवी में और कई सारी फिल्में भी लिखी, उनकी उनकी कोई भी किताब आप पढ़ सकते हैं, मतलब टाटा प्रोफेसर से लेके कसब से लेके, मेरे को लगता है कसब से अच्छी लव स्टोरी हिंदी में नहीं लिखी गई है, मतलब, और धर्मवीर भारती हो गए जिनकी गुनाहों का देवता, ऑलमोस्ट जिसने भी थोड़ी बहुत हिंदी पढ़ी उसने पढ़ी होगी। एक राही मासूम रजा साहब है, उन्होंने जो आजकल महाभारत का आज लास्ट एपिसोड आना है या आ चुका होगा शायद, तो उसके डायलॉग जिन्होंने लिखे थे, पिताश्री माताश्री जो ये टर्म है ये राही साहब ने क्वाइन किए थे एक समय में, और राही साहब की कोई भी किताब आप पढ़ सकते हैं। राही साहब ने डिस्को डांसर जैसी फिल्म भी लिखी है और ऋषिकेश मुखर्जी की भी कई सारी फिल्में लिखी हैं, डायलॉग लिखे हैं उनके, और तो उनकी कोई भी किताब आप पढ़ लीजिए, आधा गांव से लेके हिम्मत जौनपुरी, कोई भी, मतलब 10 किताबें हैं मेरे ख्याल में, 10 में से 375 करके किताबें बॉम्बे में जो घोस्ट राइटिंग होती है उस पे, तो उनको पढ़ा जा सकता है। ये दोनों ही मेरे बहुत फेवरेट है, मनोहर श्याम जोशी और राही मासूम रजा। ये विवेक राव जी ने अपना हैंड रेस किया है, वो कहते हैं, आज जब नई पीढ़ी हिंदी में हिंदी से दूर जा रही है, तो नई हिंदी उन्हें जोड़ सकती है। आप अपनी नई हिंदी में और क्या प्रयोग कर रहे हैं अपने तो, जैसे नए लेखक? हाँ, मेरे को दिख गया ये सवाल इनका। हाँ, तो इसमें हम लोग जैसे नई कोशिश ये कर रहे हैं कि जिस तरीके से हम लोग कहानियों की थीम चुन रहे हैं और जो बात उसमें कह रहे हैं वो ऐसी कह रहे हैं कि जैसे क्या होता है ना कि हम लोग, आपके पास कोई, जब कोई आप ऐसे सोचिए कि कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड आता है और कोई चीज बहुत रेलेवेंट लगती है, कोई बहुत अच्छा चुटकुला आता है, कोई बहुत अच्छे संस्मरण आता है, तो आपके अंदर एक नेचुरल अर्ज होती है कि आप वो 10 लोगों को 10 ग्रुप में शेयर करो। हम लोग कहानियां ऐसी चूज कर रहे हैं, कम से कम जितने नए वाले हिंदी के राइटर हैं, कि वो जो पढ़े वो अकेले तक नहीं टुके, वो उसको एक अर्ज हो 4 लोगों को और पढ़ाने की। हाँ, तो एक विच इज डिफिकल्ट टू कैरी फॉरवर्ड, लेकिन हम लोग का अप्रोच यही है। जैसे मेरी किताब जो थी मुसाफिर कैफे है, उसमें मुसाफिर कैफे कैफे मसूरी बेस्ड एक हाइपोथेटिकल कैफे था, जहाँ पे लोग आते थे, रुकने के पैसे नहीं लगते थे और आपको केवल खाने के पैसे देने होते थे। अभी उस किताब को पढ़ के एक लड़के ने हिमाचल प्रदेश में बीर में मुसाफिर कैफे खोल लिया तो आपको, और एक भोपाल में एक बहुत बड़ी कोचिंग चलाते हैं लक्ष्मी मिश्रा जी, तो उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ के, क्योंकि उनको था कि मेरा, तो दैट वाज फिलोसॉफिकल टर्म, क्योंकि कैफे, हम लोग लाइफ में ना कैफे की तरह आते हैं थोड़ा टाइम पास करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, बात करते हैं, एंड देन वी गो अवे, दैट्स फिलोसफी ऑफ लाइफ, द सर्किल ऑफ लाइफ ऑल्सो। तो मैंने उसको ऐसे ही उसको बनाया था, उस पूरी कहानी को, कि आपका अपना मुसाफिर कैफे क्या है। तो हमारी कोशिश यही है कि जैसे ही ऑडियंस या जो रीडर है वो किताब पढ़ के खत्म करे, उसकी एक जर्नी शुरू हो, है ना, क्योंकि कहानियां तब नहीं काम करती कि बहुत मजा आया और वहीं पे बात खत्म हो गई।
मजा तब आता है जब किताब खत्म होने के बाद भी किताब खत्म नहीं होती। तो हमारी कोशिश यही है कि हम थीम ऐसे चुन रहे हैं जो मॉडर्न टाइम की एंग्जाइटी को टच करती है, क्योंकि किताबें तभी चलती हैं जब कोई ना कोई आपकी एंग्जाइटी को टच करती है, आपके साथ रहती है वो। हाँ तभी, क्योंकि आपको वो याद दिलाती है ना आपकी, क्योंकि हर चीज आपके आसपास की देखिए ना, इस इंतजाम में है पूरी दुनिया, चाहे वो वेब सीरीज हो, चाहे फिल्में हो, चाहे वो अखबार हो, चाहे वो न्यूज हो, वो इस अखबार वाले यहाँ बैठे हैं तो मैं उल्टा सीधा नहीं बोलूंगा तो कि वो कहीं ना कहीं आपको अपने आप से दूर ले जाने के सब जंत्र है, मंत्र है इस तरीके से। जोईता बोस जी पूछती हैं, लैंग्वेज हैज इवॉल्वड बट हैज लिटरेचर इवॉल्वड एज वेल? अब ये मैम बहुत फिलोसॉफिकल सवाल है, क्योंकि मुझे ये लगता है जैसे कि अगर आप इस दायरे को ना हिंदुस्तान के थोड़ा सा बाहर ले जाइए तो जो आप पहले के जो राइटर्स थे, अभी जैसे मैं एक जापानी राइटर है मुराकामी, मैं उनको बड़ा फॉलो करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि वो जो एवोल्यूशन है उनकी राइटिंग में, क्योंकि वो अभी ऑलमोस्ट 30-35 साल से लिख रहे हैं, तो वो एक अलग जोन में है। मतलब जैसे वो जितना इवॉल्व है ना, जितना सिंपल एंड येट इवॉल्व, और वो ओरिजिनली जापानी में लिखते हैं, वो अंग्रेजी में लिखते भी नहीं, उनके चार ट्रांसलेटर हैं और वो करते हैं, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बिकते भी हैं, वो तीसरे या चौथे नंबर पे होंगे वो सबसे ज्यादा बिकने वालों। तो मुझे लगता है कि वो इवॉल्व हो रहा है, और इंडियन कंटेक्स्ट में आप देखेंगे तो चूंकि यहाँ पे जनता बहुत है, पॉपुलेशन बहुत है ना, तो यहाँ पे हर तरीके की राइटिंग का स्कोप है। जैसे अभी भी जो मेरठ में एक समय पल्प फिक्शन सुरेंद्र मोहन पाठक की किताबें आती थी और डेढ़ डेढ़ पांच पांच लाख के जो वो होते थे, अभी वो घट के 40,000 हो गया है। हम लोग जैसी किताबों का जहाँ कोई स्कोप नहीं था, वो घट के अब 1,00,000 हो गया है। तो ये इवोल्यूशन बहुत ही कंटिन्यूअस है। कई बार क्या होता है ना, कई राइटर उस टाइम फ्रेम में आपके पकड़ में नहीं आते, क्योंकि वो जगह, वो लाइब्रेरी, वो माहौल कम होता जा रहा है किताबों को लेकर। आपने कभी सुना है सड़क पे या ट्रेन में किसी को कोई किताब के बारे में बात कर रहा हूँ, फ्लाइट में कोई किताब? बहुत रेयर है ना। फिल्म के बारे में लोग बात करते हैं, क्योंकि वो हमारी, वो दैट्स रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी ना, कि हम क्या कर रहे हैं, तो वैसा है। शिवानी तोमर जी लिखती हैं, सर इज इंग्लिश लैंग्वेज इज इजी टू अंडरस्टैंड देन कंपैरिजन टू हिंदी और इंग्लिश? सर आई डोंट नो, दिस इज सॉरी, कैन यू कम अगेन? क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लग रहा है मुझे, मैं दूसरा पढ़ती हूँ। What do you consider your responsibility for the reader while writing? शिल्पा अग्रवाल जी पूछती हैं। तो मैं इसमें, मेरे को बस ये लगता है ना, जैसे एक चीज मैं हमेशा मानता हूँ, जब आप कोई फिल्म देखने जाते हैं और वहां पे कोई मल्टीप्लेक्स में अगर आप फिल्म देखते हैं, तो आप जाते हैं दो लोगों को लेके, चार लोगों को लेके, फिर वहां बाहर आप खाना खा के आते हैं। एक बार फिल्म देखने जाने का मतलब है 2,000-3,000 से 5,000 रुपए का खर्चा, क्योंकि आप मॉल जाओगे तो कुछ ना कुछ पसंद भी आ ही जाता है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ राइटर, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई मेरी किताब को खरीदने का टाइम लगा रहा है, फिर आने के बाद, क्योंकि किताब पढ़ना इतना आसान काम भी नहीं है ना, मतलब आपको 3-4 घंटे 5 घंटे लाइफ के देने पड़ते हैं, और वो 5 घंटे जिसका कोई पैसा वापस नहीं आएगा, आप 5 घंटे में कुछ काम भी कर सकते थे। तो ये हमेशा लगता है कि जो टाइम है वो वेस्ट ना हो, जो भी, मतलब वो जो भी मंगाए, तो मैं इस अप्रोच से ही लिखता हूँ। मेरी एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टाइम खराब ना हो उसका, क्योंकि आपको टाइम स्पेंड करने के इतने हजार एवेन्यू है, और किसी ने आपकी किताब को चुना है तो पहले तो बहुत बड़ा काम किया है कि आपने चुना है, तो वो वेस्ट ना हो। मैं कुछ हल्के में कोई ऐसी बात ना करूं कि लगे नहीं आ रही है, तो ऐसे टाइम पास में किताब निकाल देते हैं और उसके बाद देखेंगे, तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस टाइम की है, तो वो मैं कोशिश करता हूं कि टाइम वेस्ट ना हो किसी भी तरीके से। नीलम जी ने एक सवाल पूछा है, योर स्टोरी सीम टू बी वेरी इंस्पिरेशनल, इज इंस्पिरेशनल टॉपिक्स का राज क्या है? हाउ डू यू गेट टू योर स्टोरी लाइन? तो राइटर्स का ये होता है कि शुरू में तो आप अपना ऑटोबायोग्राफी की तरह आप कहानियां लिखते हो, लेकिन धीरे धीरे आप ऑब्जर्वेशन से, आपकी सोसाइटी में ये हो रहा होता है ना, आप जैसे पेरेंट्स टीचर मीटिंग वाली कहानी इतनी रिलेटेबल है, मेरे को तो जहाँ पे जब मैंने सुनाया है, जब भी तो पेरेंट्स ने या जो जो टीचर्स हैं या जो प्रिंसिपल्स हैं, उन्होंने आके हमें ये मेरे को बोला कि अरे ये तो हमारे साथ पूरी लाइफ हुआ है तो वो तब पता चल जाता है कि ये चीज हो रही है। और कोशिश यही है कि मैं कहानियां कट अक्रॉस कर पाऊँ, कि ये कहानी एक बाप और बेटा या बाप और बेटी साथ में बैठ के सुन पाए, वो बहुत जरूरी लगती है मेरे को बात। I know, it was very decent also and yet very... तो क्योंकि अदरवाइज बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप देखिए ना, हर तरीके से जो कंटेंट है उसमें एक डिस्टिंक्शन है। आप मोबाइल
पे ही देखने वाली कई बार चीजें देख रहे हैं उसमें, तो वो डिस्टिंक्शन मैं चाहता हूँ कि वो कट अक्रॉस कर जाए पूरे उसमें। निश्चिन मेहरा जी पूछते हैं, बीइंग अ हिंदी राइटर, आरंट यू डूइंग अ डिसर्विस बाय डाइल्यूटिंग द लैंग्वेज? इसमें मैं अगर मैं सामने होता तो इसका बहुत अच्छा जवाब दे सकता था कि जैसे ना ये जो कंसेप्ट है, अब आप लोगों को सबको मैं ये बता देता हूँ, बिकॉज सिंस इट इज अ वेरी इमोशनल थिंग फॉर मी कि डाइल्यूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं और इस तरीके का। पहले तो सर आप ये समझ लीजिए कि जो भाषा है ना ये देसी घी नहीं है, है ना, कि शुद्ध होगा। पहले तो ये मिसकंसेप्शन है हमारा कि जो भाषा होती है वो कोई बड़ी शुद्ध चीज है ना। और हमें एक और हम लोग एक बड़ा बैगेज कैरी करते हैं कि हमारे दादाजी जो बोलते थे ना, पहले तो भाषा बड़ी अच्छी थी, पहले का जो था ना, जैसे एक हम लोग नॉस्टैल्जिया में जीते हैं ना कि हमारी भाषा पहले अच्छी थी। भाषा हमेशा से अशुद्ध ही थी और यही भाषा की खूबी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक लाइक लाइन से बताता हूँ कि मैं कमरे में आया, मैंने टेलीविजन ऑन किया, मैं कमरे में आया, मैंने अपनी कमीज कुर्सी पर रखी, टेलीविजन ऑन किया, खिड़की खुली और आकाश की ओर देखा। इस एक लाइन में अरबी भी है, इटैलिक भी है, तुर्किश भी है, और आकाश संस्कृत भी है, टेलीविजन अंग्रेजी भी है, और जो बाकी बच गया हिंदी भी है। तो पहले तो ये कंसेप्शन था कि कोई शुद्ध हिंदी जैसी या शुद्ध भाषा इरिस्पेक्टिव अंग्रेजी में कोई चीज होती थी, ऐसा कुछ है नहीं। तो ना ये बहुत ही वैसा व्यू है कि एकदम से ना जैसे कोई हॉल में पहुंचे बहुत दिनों बाद और आधी पिक्चर बीत चुकी है और उसके बाद बोले यार पिक्चर समझ नहीं आ रही। तो ये ना सवाल ही ठीक नहीं। मैं सामने होता तो बहुत प्यार से इसको समझाता और इस बात में मैं थोड़ी लंबी बात भी करता, क्योंकि ना जैसे ही आप ये बोलते हो ना कि आप डिसर्विस कर रहे हो भाषा की या इस तरीके की, ये बात ये बताता है कि आपने भाषा के बारे में सोचा नहीं है, आपने 30 मिनट सुन के आप रिएक्शन दे रहे हो, है ना। तो अगर आप ऐसा होता तो आप ये नहीं बोलते इसमें। तो मेरा हम्बल सबमिशन यही है कि भाषा को ना ऐसे आधे घंटे की सोचने वाली चीज नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देके देखेंगे तो आप कितने शब्द ऐसे जब बोलते हैं अपने उसमें वो बिल्कुल भी प्योर नहीं होते, और भाषा प्योर होती ही नहीं है, वो गंगा जी की तरह है, जो साथ में आ रहा है मिलता जाएगा और भाषा बनती है। और वही उसकी खूबसूरती है ना कि मेरठ की, जैसे आप अभी जैसे गरिमा जी बोल रही थी ना कि चार लोग हैंगे, है ना, ये टिपिकल वेस्टर्न यूपी वर्ड, ये गलत नहीं है ना ये आप, क्योंकि वो है ना ये है। और चूंकि मैंने पूरा यूपी भर में घाट घाट का पानी पिया है तो मैं हरदोई का भी बता दूंगा कैसे बोलते हैं। ये सब ये भाषा खराब नहीं हो रही ना, डाइल्यूट नहीं हो रही। अब आप बोलोगे कि न्यूज एंकर वाली हिंदी, ऐसा नहीं होता ना, वो गलत है वो अप्रोच। आप जैसे ये भाषा छोड़ देंगी फिर आप गरिमा जी नहीं रह जाएंगी ना, आप उस जगह को भूल जाओ। और जैसे हाँ, और जैसे ही आप अपनी भाषा को छोड़ोगे, है ना, कि नहीं हम तो अब शुद्ध पकड़ेंगे, तो उसी मिनट आपकी आइडेंटिटी का एक हिस्सा मर जाएगा जो आपको बनाता है, जो आपको रंग देता है। तो इसलिए ये सवाल थोड़ा सा गड़बड़ है, और मैं मिलता तो हाथ मिला के और गले लगा के इसका जवाब देता, लेकिन अब फोन पे इतने ही प्यार से समझाया जा सकता है। शुभांगी जी पूछ रही हैं, व्हाट इंस्पायर्स यू द मोस्ट? मुझे जो एक चीज इंस्पायर करती है हमेशा से, और मैं ये बात शुरू में मुझे बोलनी चाहिए थी, जैसे मैंने शुरुआती किताबों में भी ना, मुझे जो मोहल्ले और हमारी कॉलोनी और वो दुनिया के सारे लोग जो लूजर होते हैं, जिनको कोई नहीं कहता कि यार जैसे कि ये हमारा हीरो है। जैसे हमारे कॉलोनी में किट्टी भैया थे और वो रजिस्ट्रार ऑफिस में काम करते थे, रोज 2000 रुपये रिश्वत लेते थे, रोज 2500 रुपये लुटा देते थे। उनसे मोहल्ले भर में जो भाइयां आती थी उनसे अपनी बेटियों की, दो बेटी थी तो चार चार बेटियों की शादी के पैसे लेती थी और वो देते रहते थे, कभी मना नहीं करते थे, जो उनसे मांग लेता था कर्ण की तरह दे देते थे। वो जब कोई मोहल्ले में ये नहीं बोलता कि किट्टी भैया जैसा बनो, क्योंकि वो रजिस्ट्रार ऑफिस में बाबू है। हमारी ही कॉलोनी में एक लड़का था जो अच्छी जगह से पढ़ा, वो आया और अपने पिताजी को आया तो उसको उस कॉलोनी में आना अच्छा नहीं लगा, तो वो ताज में रुका, उसने वहीं पर शादी की और वहीं पर सबको बुलाया। हम लोग बोलते रहे उन्होंने वो जो भैया थे उनकी तरह बनो ना पूरे जिंदगी, लेकिन अल्टीमेटली मुझे ये लगता था कि जो ये मोहल्ले के लोग है ना, जो आपके मरने जीने में खड़े हैं, जो नॉन हीरोज हैं सोसाइटी के, वो आपका शायद जो बाल आपके काटते हैं वो जुम्मन मियां है, जो पूरे मोहल्ले भर का मीडिया है, जिनको कोई नहीं बोलता कि अरे जुम्मन मियां जैसे बनो यार, क्या मस्त बातें करते हैं। तो मुझे लगता था कि वो लोग मुझे इंस्पायर करते हैं इस बात के लिए, क्योंकि जिंदगी मोस्टली लोगों की बहुत ऑर्डिनरी होती है, उसमें फिल्मों की तरह ना अप एंड डाउन नहीं होते, आप ऐसी चीज के लिए भाग नहीं रहे होते, 10 लोग आपको रोक नहीं रहे होते और आप लड़ नहीं रहे होते। तो वैसे में जो नॉन हीरोज हैं सोसाइटी के, मैं चाहता हूँ
कि वो हीरो उनको मैं बना पाऊं, ज्यादा से ज्यादा मैं हीरो बना पाऊं, या उस ऑर्डिनरी आदमी का कोई एक एक्ट ऐसा होता है जो उसको हीरो बनाता है, क्योंकि सिचुएशन हीरो बनाती है ना, तो वो मैं एक्सपोज कर पाऊं, वो मैं थोड़ा दिखा पाऊं उस दुनिया को, तो एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह बता पाऊं, तो वही इंस्पायर करता है, क्योंकि अदरवाइज जो बड़े लोग हैं, इसीलिए मेरे को कभी ना, मैं जो बहुत अचीवर्स होते हैं उनकी कोई कहानी मुझे पसंद ही नहीं आती, कि जिस पर मैं हाथ नहीं लगाता, हमेशा मुझे फेल्ड लोग पसंद है, क्योंकि मैं खुद शायद वैसा ही था और वैसा ही हूँ, वैसी गलतियां करता रहूंगा, इसलिए पूछ रही है वो, योर बेस्ट एक्सपीरियंस ड्यूरिंग राइटिंग अ बुक। ये पहली बार किसी ने पूछा है, क्योंकि राइटिंग इन जनरल इज वेरी टीडियस थिंग टू डू, मतलब आप राइटर के अलावा ना, जैसे पूरी दुनिया जब आप अपनी टाइमलाइन देखते हो तो लोग इतने बड़े बड़े आर्टिकल लिखते हैं, इतनी इतनी चीजों पे कमेंट करते हो, और आप सोचते हो आप इतना भी नहीं लिख पा रहे और आप बुक लिखने का सोच रहे हो, तो बुक लिखते हुए जो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस है वो ये हुआ मुझे कि जैसे मैंने एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से जो पास होता है लड़का, उसकी नौकरी नहीं लगती, उसकी एक कहानी लिखी थी, मसाला चाय में है वो कहानी, फलाना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग करके, तो वो कहानी पढ़ने के बाद मेरे को तमाम ऐसे लोगों के मैसेज भी आए कि, और वो कहानी लिखते हुए बहुत इमोशनल हुआ, क्योंकि मेरी अपनी कहानी वैसी थी जिसकी नौकरी नहीं लगती और वो सब, तो वो लिखते हुए मुझे जैसे ना, कई बार आप कहानी लिखते हो ना तो आपको पता होता है कि काम ठीक हो गया है, और कई बार आप रिएक्शन का वेट करते हो, लेकिन बहुत कम बार ऐसा होता है कि आपको एक क्लैरिटी आ जाती है कि नहीं यार ये काम ठीक कर दिया आपने, और वो उस मोमेंट में ना, वो कहानी या वो किताब एक भी बिके ना दुनिया में ना, तो आपको फर्क नहीं पड़ता, तो वो वैसा उस किताब के साथ हो गया था मेरे को, तो वो जो एक्सपीरियंस था ना कि आपने वहीं पे वो चीज लूप कंप्लीट कर दिया, नाउ इट्स ओनली द रिएक्शन जो मैटर ही नहीं करता था उसके बाद, तो वो एक्सपीरियंस था, वो बहुत रेयर है, उस किताब के बाद से थोड़ा बहुत मैंने एंटिसिपेट किया, वेट किया, लेकिन वो जो कहानियां लिखी वो सारे लूजर्स की, तो वही अपना एक्सपीरियंस, जैसे ऐसा लग रहा था ना कि मैंने इस पूरी दुनिया से अपना बदला ले लिया तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, जबकि आप ऐसा बदला लेते नहीं हो, क्योंकि हर किताब लिखने के बाद आप और हम्बल हो जाते हो, जब आप लिख रहे होते हो तो आपको लगता है इस दुनिया में इससे अच्छी कोई किताब नहीं होगी, और जैसे आप लिख लेते हो आपको अपनी लिमिटेशन का रियलाइजेशन हो जाता है तुरंत, कि यार बहुत लोग हैं और बहुत बड़े लोग आए और बहुत बड़े लोग आएंगे, आप कुछ नहीं हो इस पूरे स्ट्रीम में, छोटी सी आपकी हस्ती उसमें। आई थिंक क्वेश्चन सब ओवर हो गए, आई वुड लाइक टू थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया। नहीं, थैंक यू, एंड थैंक यू सो मच अंशु फॉर द लवली सेशन। थैंक यू, और बहुत 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 अच्छी आई ऑडियंस, और अब मैं मेरठ आना ड्यू है, कभी आता हूँ। या वी हैव टू मीट। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू।